तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का टॉपिक है नारुतो वर्सेस वन पीस। तो हमारे ओनली टू पॉइंट्स होंगे, स्टोरी और एनिमेशन। तो पहले बात कर लेते हैं नारुतो की। तो नारुतो की स्टोरी की पहले बात करते हैं। तो नारुतो की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, जैसे नाइन डेल्स फॉक्स में दिखाई गई, कोडामा दिखाई गई, और नारुतो अच्छी है लेकिन थोड़ा सा है जो मैं अगर वन पीस पूरा कर देगा। और मैं पहले वार्निंग अलर्ट पहले ही मैं यानी मैं पहले ही वार्निंग अलर्ट कर दूं कि ये सारा मैंने वन पीस नहीं देखा, इसलिए मैं जो वन पीस का कब होगा वो सारा कुछ मैंने एनीमे यूट्यूबर से सुना है जिन्होंने देखा है। और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कभी वन पीस देखूँ, शायद मैं कभी भी ना देखूँ। अब डिसलाइक करके मत जल्दी जाना वन पीस फैंस, क्योंकि वन पीस की जब बात होगी तो मैं स्पॉयलर नहीं दूंगा इस वीडियो का। ऐसे वीडियो का क्या स्पॉयलर अभी दे देता हूँ। तो वन पीस की पॉपुलरिटी वैसे नारुतो से ज़्यादा है यानी, लेकिन मैं तो एक नारुतो फैन हूँ। अब अगर मैं वन पीस देखूँ और मुझे वन पीस नारुतो से ज़्यादा अच्छा लग जाए तो मैं उसे मानूंगा कि वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन तो वैसे मैं ये तो नहीं माना कि अटैक ऑन टाइटन ना डेमन स्लेयर से अच्छा है। हाँ वो नहीं अच्छा वैसे इस बात को। अभी हम अभी हमारी वीडियो की अटैक ऑन टाइटन डेमन स्लेयर ये सब किसी टॉपिक का नहीं है। बस अब वन पीस पे चलते हैं। तो अब चलते हैं वन पीस पे। अब मैंने वन पीस देखा तो नहीं, लेकिन मुझे वन पीस नारुतो फैंस जिन्होंने वन पीस नहीं देखा इसमें बहुत कम ही होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा है तो सॉरी, लेकिन मैंने वन पीस देखा भी नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि मुझे देखना चाहिए। बस मैं 1053 शायद अभी उसकी मेरा ख्याल 1053 एपिसोड है और मैं उसकी लेंथ को सुन के डर जाता हूँ और मैंने आज तक नहीं वन पीस देखा। वैसे शायद कभी देख ही लो हिम्मत करके, या फिर शायद तब देख लो जब समर वेकेशन में। नहीं 1040 एपिसोड्स दो साल में, मेरा ख्याल है मैं कोई इतना साल में फिनिश करूँगा, क्योंकि मैंने नारुतो तो मैं देख रहा हूँ और बहुत ज़्यादा स्लो, तो वन पीस का तो पता नहीं। अब शायद तो वन पीस वैसे मुझे अच्छा सा लगता है, जैसे बस मैंने एपिसोड वन देखी थी मुझे सॉरी, लेकिन अब अगर मैंने वो वर्ड यूज़ किया तो बस मैं उसकी स्वेलिंग बता देता हूँ, TRASH लगा था। अब मुझे पता है वन पीस फैंस वह अपने यूट्यूब चैनल पे कहे कि इस बंदे ने वन पीस को बड़ा कहा, ए वन पीस के लोगों, ए वन पीस के फैंस फौरन जाओ और इस चैनल पे अटैक करो, इस चैनल को फिनिश करो, इस चैनल के कमेंट सेक्शन में लिखो हैशटैग वन पीस, जैसे इन लोगों ने एनिमे टीएम टॉक्स का किया था जब उसने वन पीस नहीं देखा था और वन पीस के बारे में कर दिया था। अब पता नहीं, अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने वन पीस देखा ही नहीं, तो क्या पता वो इतना अच्छा हो जितना लोग कहते हैं। लेकिन वन में टीम टॉक्स ने तो कुछ ज़्यादा ही कह दिया था, उन्हीं के मुँह से नहीं सुने गए क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। मैं खुद ही बता देता हूँ, उन्होंने कहा था वन पीस वेले लोग देखते हैं जिनके पास 1040 एपिसोड्स देखे, तब 40 एपिसोड्स थी, 1040 एपिसोड देखने का टाइम होता है। और वो उन्होंने कहा था एक लाइव स्ट्रीम में, हैं हम पाकिस्तान से इंडिया का पहुंच गए, ये एनिमे टीम टॉक्स इंडिया के, क्या पता पाकिस्तान की एनिमे कम्युनिटी इंडिया के एनिमे कम्युनिटी से शरीफ हो। तो अब हम ये बात फिनिश करते थे, तो वन पीस की तारीफ शुरू करते हैं। वन पे मेरा काम है तारीफ करना था कि मैं दोनों एनिमे के फैंस को ही खुश कर सकूँ। हाँ वैसे अब शायद दूसरे एनिमे के फैन खुश नहीं हो गए। तो अब बात करते हैं पॉपुलैरिटी की। तो वन पीस की नारुतो से तो वैसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और वन पीस में कुछ करेक्टर डेवलपमेंट भी नारुतो से अच्छी है, सिवाय मादारा उचिहा, क्योंकि मादारा उचिहा तो ऐसे वन पीस के सारे करेक्टर्स को ही बीत कर देता है, लेकिन वन पीस में मादारा उचिहा से वैसे अच्छा क्या है मेरा ख्याल है कि नारुतो में वैसे बैक स्टोरीज ज़्यादा है, क्योंकि इताची की बैक स्टोरी थी, सास्के की बैक स्टोरी थी, और आपको तो पता ही होगा कि हर एनिमे फैन को वो एनिमे पसंद है जिसमें बैक स्टोरीज ज़्यादा हो। अब नारुतो तो खास तौर पर अपनी बैक स्टोरीज की वजह से ही पॉपुलर है, लेकिन वो वन पीस से ज़्यादा तो फिर भी नहीं पॉपुलर। लेकिन अगर वन पीस में भी मेरा ख्याल है होगी, क्योंकि अगर इतना फेमस है तो बैक स्टोरीज होगी, अगर नहीं है फिर तो पता नहीं।
तो अब बात करते हैं एनिमेशन की। तो वन पीस के फर्स्ट फर्स्ट एपिसोड को देख के मैंने भी एक बार शुरू किया था हिम्मत करके, लेकिन मैंने छोड़ दिया फर्स्ट एपिसोड के कुछ सीरीज को देख के। वजह इतना पुराना एनिमेशन, मैं तब वन पीस आराम से देख लूँगा जब इसका कोई रीमेक बन जाएगा। शायद मुझे एपिसोड से ज़्यादा इसके एनिमेशन की है, क्योंकि एपिसोड वन से लेके पता नहीं कितने एपिसोड तक इसका एनिमेशन अजीब ही रहेगा। हाँ, अब जो एपिसोड हो रही होगी, काश कोई ऐसा तरीका हो कि मैं अब की एपिसोड से देख लूँ ताकि मुझे अच्छा एनिमेशन मिले 2023 का एनिमेशन। वैसे सॉरी, लेकिन जो जो जिन लोगों को तो ये एनिमेशन स्टूडियो पसंद है तो सॉरी, और यूफो टेबल नहीं सुन, मैं तो कहूँगा कि यूफो टेबल वन पीस के प्रोजेक्ट को पकड़ प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दे। एक मिनट, हम क्या वन पीस का रिव्यू दे रहे हैं या फिर नारुतो वर्सेस वन पीस कर रहे हैं? मैं वापस अपने टॉपिक पर आता हूँ। तो मैं क्या चीज़ हूँ अब ये बात हो रही थी नारुतो वर्सेस वन पीस के बारे में, जैसे वन पीस का रिव्यू देने लगे अब तक मैंने वन पीस खुद देखा भी नहीं। हाँ, तो ये वैसे मैंने पहले ही बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में जो के बाद। तो वन पीस कौन विनर है? अब भाई अभी विनर नहीं, स्टोरी लाइन रहती है। तो स्टोरी लाइन वन पीस की है। सॉरी, एक मैसेज आया, तो सॉरी। हाँ, अब आता है स्टोरी लाइन। तो स्टोरी लाइन वन पीस की ये है। आप जिन्होंने वन पीस नहीं देखा तो कुछ तो मुझे नहीं पता कि कहाँ तक होगा, लेकिन मैं बाद में आपको बता दूंगा कि कहाँ तक है। और आप स्किप कर देख करते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने आपको नहीं बताया, मैं बस हाँ स्किप करते थे जहाँ मैं स्टोरी बताने में रुको काम। हाँ, देख वहाँ से आप देख लें। तो वन पीस की स्टोरी है कि एक ट्रेजर होता है जिसका नाम होता है वन पीस, इसीलिए इस एनिमे का नाम भी है वन पीस। और बहुत ज़्यादा पायरेट्स की टीम उस ट्रेजर को ढूंढने निकलती है, और उस ट्रेजर को एक पायरेट ने कहीं पता नहीं कहाँ रखा होता है, किसी ज़मीन में क्या होता है मुझे नहीं पता, मुझे बस मैंने बस जो स्टोरी सुनी हुई है वो वही बता रहा हूँ। और वो सारे पायरेट्स ढूंढने लग जाते हैं वो वन पीस का ट्रेजर, और उनमें एक कैरेक्टर लूफी भी होता है, और वो अपना क्रू बनाते हैं जिसमें वो ट्रेजर ढूंढने के लिए निकलता है। और इस एनिमे में वो फिर सारे एडवेंचर्स करते हैं ये सब। अब मैंने खुद तो नहीं देखा, बस मैंने जो बाकी उससे स्टोरी सुनी थी वो यहाँ बता दी है। अब पॉपुलर, अब मैं आपसे पूरी वीडियो देख के मिलता हूँ। नहीं, अभी नहीं, कोई और पॉइंट भी रख लेते। हाँ, एनिमेशन भी हो गया भाई। ओ, हम तो एनिमेशन की बात कर रहे थे। हाँ, तो नारुतो का एनिमेशन ज़्यादा है। तो नारुतो का एनिमेशन नहीं, वन पीस का एनिमेशन नारुतो से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ दिन पहले हीरो होता यानी वन पीस क्रिएटर ने कहा कि आगे वन पीस का एनिमेशन डेमन स्लेयर के सीज़न 3 से भी ज़्यादा होने वाला है। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितना अच्छा एनिमेशन होगा। तो अब इसमें तो विनर है वन पीस, अब सारों में तो विनर वन पीस नहीं है। तो अगर आपको अब ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना, और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वन पीस विनर है या नारुतो, क्योंकि अगर मैंने किसी वन पीस को तो नारुतो फैंस नाराज हो गए, और नारुतो का कहा तो वन पीस फैंस नाराज हो गए। इसीलिए अब दोनों अब जो जिसका फ़ैन है वो कमेंट सेक्शन में लिख दे हैशटैग वन पीस या हैशटैग नारुतो। अल्लाह हाफिज़।